डियर स्टूडेंट्स, आज का एक नया एपिसोड जो हमारा 10 टॉपिक्स का एपिसोड है, ये हम लोग आज करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। कल ही हम लोगों ने बात किया है कि हमें अब बचे हुए दिनों में किस तरह से बीपीएससी के एग्ज़ाम को 64वीं को हमें निकालना है। टाइम अब जो कुछ है उसी में हमें रास्ते खोजने हैं, हमें तलाशना है सफलता का वो मंत्र जिसके लिए हम दिन रात अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। चलिए आज के इस 10 टॉपिक्स में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या हमें करना है। हिस्ट्री से लेकर साइंस तक, जीके तक, ज्योग्राफी तक सब कुछ हम लोग करेंगे। ये आपको 24 घंटे का टाइम मिल रहा है। अब हम लोग ऑलमोस्ट डेली ये टॉपिक्स करेंगे, किसी एक दिन छोड़कर जब इमरजेंसी होगा, लेकिन आपको डेली ये टॉपिक्स अब मिलेंगे। आप इसमें मैनेज करें टाइम को, इसे आपको करना चाहिए हर हाल में। आज के इस टॉपिक से मेरी आशा है कि दो क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये टॉपिक्स आप कर लेते हैं, दो क्वेश्चंस की संभावना इसमें से बन जाती है, तो आप इसे ध्यान लगा कर करें। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो कल भी आएगा, बड़ा टॉपिक है। मतलब ये कि केवल पहले टॉपिक को छोड़कर बाकी सारे टॉपिक्स कल नए होंगे। फर्स्ट टॉपिक जो हिस्ट्री का है, मौर्या हम लोग कर रहे हैं, वो आपका कल भी रहेगा, चूंकि ये बड़ा टॉपिक है। एनीवे, आज टॉपिक नंबर 45 यानी 45 आज जारी हो रहा है। चलिए आज के पहले टॉपिक को देखते हैं, हिस्ट्री का क्या है। आज का टॉपिक है पहला हिस्ट्री से मौर्य साम्राज्य। ये टॉपिक बड़ा है, इसे हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को पहले ही किया हुआ है, अशोक को भी हम लोगों ने किया है, लेकिन पर्सनैलिटी पर किया था। आज मौर्य साम्राज्य एज ए होल पूरे चैप्टर को हम लोग उठा रहे हैं, चूँकि पर्सनैलिटी के अलावा इसमें आप दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक तीन बड़ी पर्सनैलिटीज़ को करेंगे, जो हम लोग पहले ही टॉपिक में कर चुके हैं। अब मौर्य साम्राज्य के जो बाकी क्षेत्र हैं जिससे प्रश्न बनते हैं, सामाजिक, आर्थिक, धम्म नीति, उसके अभिलेख, ये सब अब इस टॉपिक में आ जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखें, ये बड़ा टॉपिक है, इसे हम लोग कल भी कंटिन्यू करेंगे। आज के इस टॉपिक में आपको दरअसल मौर्य साम्राज्य के स्रोत सोर्स करना है, अशोक के अभिलेख करना है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक का धम्म, इतना आज आपको करना है। आधा टॉपिक्स का बचा हुआ है वो हम लोग कल करेंगे। आज में आप बस मौर्य साम्राज्य से इतना करेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसी टॉपिक से आपका बन जा रहा है, संभावना है कि मौर्य काल से एक प्रश्न जरूर आएगा, तो आप इसे करने का प्रयास करें। आज पेज नंबर अगेन 3 बुक्स के दिए जा रहे हैं क्राउन में, आप देख लें। पेज नंबर 25 से लेकर 31 है, लूसेंट में 10 से 11 और यूनिक में 49 से 58। देखिए यूनिक में बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार ढंग से दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा डिटेल में है, तो अगर आपको बोझिल लगे कि समय ज़्यादा इसमें लग रहा है, तो आप क्राउन पे आ जाएं या लूसेंट देख लें। लूसेंट में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही कम है, तो आप क्राउन देख लें। इस तरह से आप मैनेज करें, किसी टॉपिक में अगर बहुत लंबा आपको लग रहा है, आप यूनिक छोड़ दें, आप क्राउन पे आ जाएं। इसलिए हमने आपको ये बुक्स जो कंटिन्यू, जो 3 ऑल द 3 गाइड्स हैं, वो हमने आपको सजेस्ट किया है। आइए आज का दूसरा टॉपिक करते हैं। दूसरा टॉपिक देखिए, हम लोगों ने क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन पिछले टॉपिक में किया था। अब भारत का विभाजन यानी जस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम की स्थितियां हम लोग करेंगे। माउंटबेटन प्लान, इसमें हम लोग आज कर रहे हैं मॉडर्न में, लेकिन ध्यान रखें इससे पहले इटली की घोषणा हुई है, उसके बाद माउंटबेटन प्लान आया और भारत स्वतंत्रता अधिनियम इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया। तो आपको तीनों करना है, इटली की घोषणा, माउंटबेटन प्लान और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। इसका हेडिंग होगा माउंटबेटन प्लान, मतलब ये कि तीनों आपको इस हेडिंग के अंतर्गत करना है। पेजेस दिए जा रहे हैं, आप इसमें डेट्स को याद रखेंगे, इसके डेट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे माउंटबेटन प्लान 3 जून को आया, तो ये आपको डेट याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आइए, ज्योग्राफी में हम लोग पठार करेंगे। वह देखिए, ज्योग्राफी में ध्यान रखें, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको प्लेटो यानी पठार करना है, लेकिन ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, एकदम आसान टॉपिक है, आपको डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ना है, बहुत लंबा नहीं है इसमें। इसमें आम तौर पर कौन कौन से पठार कहाँ हैं, ये एग्जाम्स में आता है, जैसे मिसेटा, चियापास, पीडमाउंट, तिब्बत का पठार, तो ये सब आप
कुछ गिने चुने करें, सारे नहीं करने, गिने चुने करने हैं। नेक्स्ट आइए भारत में जो इंडियन ज्योग्राफी है उससे, इसमें भारत के द्वीप आइलैंड आपको करना है। भारत में द्वीप पर क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के अलावा भारत के और भी क्षेत्रों में कुछ छिटपुट द्वीप्स हैं, जैसे न्यू मयूरद्वीप, गंगा सागर, तो ये सब आप सागर द्वीप, तो ये सब आप करेंगे। भारत के टोटल कितने द्वीप हैं, कहां कहां पर कुछ विवादास्पद द्वीप हैं, तो उसे भी आप ध्यान से करेंगे। कोको द्वीप कहां पे है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो और यहां पर आप डंकन पास, कुछ पासेस हैं वो स्ट्रेट, वो आप करेंगे। 10 डिग्री चैनल करेंगे, 8 डिग्री 9 डिग्री नहीं करना है, 10 डिग्री चैनल है वो आप करेंगे, साथ में डंकन पास करेंगे। पिछले दिनों ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि डंकन पास किसके बीच स्थित है, तो ये द्वीप में आप ज़रूर करेंगे। उसके बाद आ जाइए पीएच वैल्यू, पीएच मान साइंस में करेंगे, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अगेन फिर दिया जा रहा है, काफ़ी लोग इससे कर चुके होते हैं, ये टॉपिक को काफ़ी पॉपुलर है, पढ़ा हुआ होता है, यहाँ पर फिर से हम इसे दे रहे हैं साइंस में यानी केमिस्ट्री से, ये टॉपिक आपको दिया जा रहा है। पीएच वैल्यू क्या है, क्या इसका रेंज होता है, और चाहे नींबू हो, चाहे दूध हो, चाहे यूरिन हो, चाहे ब्लड हो, सबकी पीएच वैल्यूज आपको याद करने हैं। ये पेजेस नंबर दिए जा रहे हैं, तीनों के पेज नंबर आपको दिए जा रहे हैं, आप इसे नोट डाउन करेंगे। सिक्स्थ छठा टॉपिक हम लोग डिजीजेस कर रहे हैं, शायद हम लोगों ने इसे पहले भी किया है, लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो रहा है, सब रिवीजन होगा अगर पीछे किया हुआ है तो। डिजीज़ में आपको वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, प्रोटोजोआ, फंगस, इन चारों पर आधारित जो गिने चुने हैं, करीब 7 डिजीज़ बैक्टीरिया में, वायरस में भी 7 से 8 डिजीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट वो करेंगे, प्रोटोजोआ में 5 और फंगस में 3, इस तरह से गिने चुने डिजीज़ आपको करने हैं, तो ये आप कर लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ये पेज नंबर दिए जा रहे हैं, बायोलॉजी से डिजीज हो गया, और 7वां टॉपिक इंडियन पॉलिटी से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से भी एक क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है, बराबर प्रेसिडेंट से क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है, तो यहां से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली हमें लगता है कि बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन और बन रहा है, राष्ट्रपति को आप अच्छे से करेंगे, उनके नॉमिनेशन फाइल करने से लेके प्रस्तावक, जो इनके 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति का जो क्राइटेरिया है नॉमिनेशन का, वो सब पढ़ेंगे। इनके अधिकार, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं, विधायी अधिकार, कार्यपालिका का के अधिकार, और जुडिशरी में फिर इनके क्या दखल है, तो ये आप करेंगे। राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इंटरेस्ट लेकर अच्छे से करेंगे। पेजेस नंबर दिए जा रहे हैं, इकोनॉमी में हमने लिया है मुद्रा का स्टॉक, ये टॉपिक आपके लिए शायद थोड़ा नया हो कुछ लोगों के लिए। इस मुद्रा का स्टॉक का मतलब है कि भारत में कितना जो टोटल करेंसी है, फ्लोटिंग करेंसी, लिक्विडिटी जो है करेंसी की, वो किस तरह से है, तरलता कहाँ कहाँ दिखती है, पूरा पैसा देश का कितना है, वो कहाँ किस रूप में विभाजित है, इसे M1, M2, M3, M4 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये हम लोग ये क्राउन में अच्छा सा एक बॉक्स में बना कर दिया है, उसके बाद यूनिक में थोड़ा बॉक्स में नहीं दिया है, स्कैटर्ड फॉर्म में दिया है, काफ़ी समझाया है, यूनिक में थोड़ा लंबा कर दिया है। अगर आप इससे केवल क्राउन से कर लें तो यूनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास क्राउन, यूनिक, लुसेंट तीनों है, हम बता दें इसमें आप सिर्फ क्राउन से देख लें, और जिनके पास लुसेंट है, लुसेंट में जो दिया है वो भी थोड़ा बॉक्स में बना कर नहीं दिया है, डेफिनेशन दिया है, तो सबसे अच्छा इसमें क्राउन में है, बॉक्स में बना दिया है। M1, M2, M3, M4 किस तरह से हम M बराबर किस तरह से रिजर्व बैंक का पैसा, उसके बाद डाक में, पोस्ट ऑफिस में कैसा पैसा, इस तरह से डिवाइड करके दिया है। उसके बाद 9th जो टॉपिक हमारा नवा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्ब्लेम, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, चाहे झंडा हो, चाहे गान हो, गीत हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, इसे हमें करना चाहिए। पैसे पहले से भी हम लोग इसे किए हुए होते हैं जीके के रूप में, लेकिन अब हम लोग इसे कंसोलिडेट करेंगे। अगर जैसे कि आप हमें बताएं राष्ट्रीय झंडा किस दिन अपनाया गया, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, तो ये सब बातें हैं, तो ये समझना है आपको, अब याद कर लेना है, ध्यान में रख लेना है, अब एग्जाम में बहुत हो सकता है माइन्यूट मंथ दे दे, ईयर नहीं मंथ का डिफरेंस कर सकता है, और मार्च के साथ सितंबर दे देगा,
और 1957 कर देगा, 1950 कर देगा। तो ये आपको डिफरेंसेस मंथ के साथ, तो डेट आपको ध्यान में रखना, राष्ट्रगान कब आया और राष्ट्रीय हमारा तिरंगा कब लागू हुआ, हम इस तरह से आपको ध्यान में रख। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बिहार की राज व्यवस्था, यानी व्यवस्थापिका करेंगे हम लोग, लेजिस्लेटर करेंगे। एग्जीक्यूटिव कर चुके हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री, ये पिछला टॉपिक था, अगर जिन्होंने नहीं किया है तो उन्हें करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अब आज व्यवस्थापिका दिया जा रहा है यानी लेजिस्लेचर, तो इसे करना है। ध्यान रखें कि कुछ भी छूटे नहीं, वरना फिर ये ड्यूज हो जाएगा, चढ़ जाएगा और फिर ये एग्ज़ाम में अगर आ जाएगा तो फिर ये डेफिसिट आपको देगा। नेक्स्ट आइए, हमारा है 11वां टॉपिक, लास्ट टॉपिक 2011 की जनगणना। ये हम लोगों ने लिया है दरअसल शिशु लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसे आपको करना है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो भारत में क्या है, किस तरह से है। तो ये शिशु लिंगानुपात हमारा आज का 2011 की जनगणना में है, इसमें सबसे अच्छा अगेन क्राउन में दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ें, बाकी में भी देख लें कैसा लगता है, लेकिन आप हर हाल में क्राउन रखें, चूँकि सब का शॉर्ट फॉर्म अगर हम कहें तो क्राउन में बेस्ट ढंग से दिया हुआ है। हाँ, यूनिक में तो ज़बरदस्त है, शानदार है टॉपिक्स, जैसे राष्ट्रपति आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, आप मौर्यकाल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, लूसेंट में भी बहुत संक्षेप में, हालांकि लूसेंट में बहुत संक्षेप हो जाता है, उसमें भी कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो आप इस तरह से करें, आज के ये टॉपिक्स हम लोगों ने डिसाइड कर लिए हैं, कल तक, कल इस समय तक आपको ये टॉपिक्स कर लेने हैं, कुछ भी बचा के आप नहीं रखें वरना ड्यूज़ आपके ऊपर आ जाएगा तो वो एक घाटे का सौदा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द आएगा, तब तक इसे आप करें, हमारे से भी जितना भी हमसे होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे। अपना ध्यान रखें, लेबर लगातार अथक करते रहना है। टेक केयर।